वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी, कहती है आपको खुश आमदीद। और बात करूंगी उन लोगों की जो बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, और उन लोगों ने अपनी लाइफ जो है वो बड़े बड़े जो है प्रोफेशंस को दी है। लाइक अगर हम अदब की बात करें, कल्चर की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो हर एक डिफरेंट फील्ड्स है। लेकिन जब सोशल वर्किंग की बात करें, सामाजिक कारकुन की बात करें, या किसी तरह के भी के लोगों के लिए हमेशा रहनुमाई का सबब बने, ऐसे लोग कम होते हैं। मोटिवेशनल मैसेज भी होते हैं वो हमारे लिए, और उनकी गुफ्तगू में एक मेयार होता है, और ऐसे लोगों में उठना बैठना चाहिए, खास तौर पे हमारी न्यू जनरेशन को। उनकी गुफ्तगू में मजा भी है और एंटरटेनमेंट भी है, बच्चे के बच्चे भी बन जाते हैं, और कभी कभी गुफ्तगू में ऐसी बातें शेयर कर जाते हैं जो हम तवक्को भी नहीं करते। लेकिन उनकी सब बातों में एक बात होती है, वो है लर्निंग, सीखना कि जिंदगी हमेशा दिल को जिंदा दिली से जियो, खुशी से जियो। और ऐसे लोग फिर मैं कहूँगी दुनिया में बहुत कम होते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी देर मिली हूँ और मैं मुस्कुराती रही, जितनी देर मैं उनके पास बैठी रही मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस मुलाकात को मैं कहूँगी 2 मिनट हुए, क्योंकि हम इंट्रैक्शन अभी हुई है। तो क्या मैं सच बता रही हूँ, मैं हमेशा आपको पता मैं नेचुरली बात करती हूँ, इसमें कोई लफाजियत नहीं होती है, और जब भी बोला यहाँ से बोला है। तो आज मैं ऐसे पर्सन से मिलवा रही हूँ, जब आप भी उनसे मिलेंगे, अभी मैं मिलवाऊंगी, तो उनकी गुफ्तगू सुनिएगा। और जिन लोगों ने उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया होगा, या उन्होंने अपने प्रोफेशन में डिफरेंट फील्ड से जो है रब्ता किया, बात की, उन उधर अपना वक्त स्पेंड किया, तो उनको वहाँ से क्या मिला, और अब आगे वो क्या सोचते हैं हमारे लिए, फ्यूचर में यूथ के लिए, हम सब के लिए। तो मिलवाती हूँ, यहाँ पर हैं बासिर जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। आपकी इंट्रोडक्शन खुद एक अलग ही है। मैंने जब सब फील्ड के नाम लिए, तो कुछ लोग होते हैं एक फील्ड को लेके चल रहे होते हैं और बस उससे आगे नहीं पीछे होते, लेकिन आपके पास एक हल्का अहबाब है बहुत ज़्यादा। जी आप बात कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच सभी बेटे, आप ने दावत दिया वेनस टीवी से मुझे, और बायस इफ्तखार है मेरे लिए ये बात कि मैं नौजवानों के लिए रहनुमाई कर सकूं आपकी विसातत से। तो जहां तक ताल्लुक है सोशल वर्क का, तो 92 से मैं इसमें वाबस्ता हूं। एजुकेशन के बाद मेरा मास्टर्स बॉटनी और इंटरनेशनल रिलेशंस है, लेकिन पढ़ी फारसी, बेचा तेल, फार्मास्यूटिकल में मैं आया, और बूट्स मेरी पहली कंपनी थी जो आपने सुना होगा ब्रूफेन, और इसके लिहाज से बहुत मशहूर है। हाँ, ब्रूफेन टैबलेट अक्सर हम लोगों को पेन होता है, लेडीज तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। और उसके बाद मैंने जॉनसन एंड जॉनसन ज्वाइन की, 25 साल उसमें सर्व किया, और उसका वो शोबा सिलेक्ट किया, उसके अम्ब्रेला में 32 कंपनियां हैं, और जॉनसन एंड जॉनसन दुनिया की 52nd कंपनी है जो रेवेन्यू जनरेशन में उसका नंबर आता है, उसके अम्ब्रेला में 32 कंपनीज आती हैं। तो मैंने ठीक कहा ना कि आपका इंट्रोडक्शन मैं करवाना शुरू करूं तो शायद जी बात कीजिए। अच्छा, तो वो उसका एक खास डिवीजन है एथिकॉन, जो ऑपरेशन के टांके बनाता है, और वर्ल्ड ओवर 72% उनका मार्केट शेयर है उसमें। तो उसकी एक्सपर्टीज मुझे मिली, और मैं पाकिस्तान के 4-5 लोगों में से हूँ जिनको आज भी 3,500 किस्में याद हैं स्टिचेस की। अच्छा जी, जो पांव से लेके और सर तक आपके ऑपरेशंस होते हैं उनमें स्टिच लगते हैं। तो वहाँ सर्व किया, साथ में ये जज्बा इंसानी खिदमत का कुछ पैदाइशी मौजूद था जी, तो वो भी साथ साथ चलता रहा। सियासत भी चली, लेकिन एक हद तक, स्टूडेंट लाइफ तक, और उसके बाद फिर माश में मसरूफियत के अलावा मैं ये नहीं हो सकता था मुमकिन के 3 चीज़ों को साथ ले चलूं जी। समाजियात के हवाले से ऑलराउंड परफॉर्मेंस है माशाल्लाह, हर शोबा देखा हुआ है, हर शोबे में काम किया हुआ है। तो जैसा कि आपके इल्म है, पाकिस्तान में ऑलराउंडर ज़्यादा कामयाब होते हैं, तो जो भी कुछ है आप देख ही रही हैं कि इस मुल्क में ऑलराउंडर्स की परफॉर्मेंस क्या है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूँगी कि आपने माशाल्लाह सारी फील्ड्स को
जो है उसमें टाइम स्पेंड किया। आने वाले पाकिस्तान में यूथ को आप किस कैटेगरी में देखते हैं? देखिए बात यह है कि हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं कि हमने यूथ के लिए कुछ किया नहीं। यूथ आपकी बड़ी टैलेंटेड है माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं है। मेरे अपने बच्चे भी हैं और आप भी मेरी बच्ची हैं, मैं दूसरे शोबों में भी देखता हूँ, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती, उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। बहुत अच्छी बात की, उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। अच्छा, इतना फ्रस्ट्रेटेड कर दिया गया है कि फिर अगर अब वो दूसरी लत में पड़ गए हैं अपना फ्रस्ट्रेशन खत्म करने के लिए, तो हमें शिकवा नहीं करना चाहिए। हमारी पहुंच से जो है ना वो चीजें दूर हो गई हैं जो हमारी यूथ के बहुत करीब होनी चाहिए। एग्जैक्टली, देखिए कोई मसला थोड़ी है उनको करीब लाना। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मैं अगर एक अनाउंसमेंट करूँ अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, तो सैकड़ों यूथ आती है माशाल्लाह। तो कोई इतनी, और हम उन ड्राई डिपार्टमेंट्स का इंतखाब करते हैं, खुश्क शोबों का आप कहें जिसे ना, और उसमें भी इंटरेस्ट लेते हैं आके कि भाई कि उनके लिए एक रहनुमा की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, और जब उनको रहनुमा सही मिलेगा तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि यूथ आपके पास कतई मैं बुराई नहीं करूंगा। अच्छा, मैं इसी बात को आपसे मतलब रेलेवेंट करते हुए इंडोर्स करना चाहती हूं कि यू हैव एनी आइडियाज रेलेवेंट टू फैसिलिटेट आवर कंट्री, हमारे मुल्क से रेलेवेंट है, या यहाँ पर जिसके लिए भी कुछ आपके पास ऐसा आइडिया है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जरूर, हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है 03-1582-48704, आप हमें व्हाट्सएप करें, अपना वीडियो शेयर करें, आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा काम जो सबको सहूलत प्रोवाइड कर सके, कुछ क्रिएशन या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियाज शेयर करें कि ये काम करने से एक पर्सन को कम बजट में बहुत फायदा हो सकता है। तो इनकी बात से मुझे याद आया, तो आइडियाज की जो होती है ना वो जो दूसरों को बेनिफिट हो तो क्या बात है, जो और लोगों के लिए आप अच्छा सोचें तो अल्लाह पाक आपके लिए कितना करम नवाजी करेगा, क्या कहते हैं? सभी आपने बहुत अच्छी बात की है बेटे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने अभी 4 महीने पहले एक एजुकेशन का कोर्स इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम था मेरा ख्वाब मेरा रोजगार। ये KMC और कामरान अहमद फाउंडेशन जी और कराची रेजिडेंसी जो मेरा फोरम है इसके तहत ये क्लास शुरू कराई गई। ये 4 महीने का कोर्स है था जिसमें 10 स्किल्स हमने मर्ज करके, जिसमें पर्सनल ग्रूमिंग, करियर काउंसलिंग, ICT, इसके अलावा मुख्तलिफ शोबे, डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ इकट्ठी की गई। और वो 4 महीने का मुहित एक कोर्स था जिसको हम सिर्फ फ्राइडे के फ्राइडे कराया करते थे, और फ्राइडे के फ्राइडे करने से वो क्लास हमारी 3 बजे से 8 बजे तक होती थी, जो यूथ को डिस्टर्ब नहीं करती थी। अब अगला स्टेप जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि उस प्रोग्राम का नाम जो था मेरा ख्वाब मेरा रोजगार। अच्छा, मेरा ख्वाब मेरा रोजगार, जी बड़ा प्यारा नाम है। वो 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको हैरत होगी कि वो जो ट्रेनीज थे हमारे, जी जी, लास्ट फ्राइडे मैंने और मेरी टीम ने जॉब फेयर किया जिसमें एक पूरा ग्रुप आया, मुख्तलिफ कंपनीज आई, उन्होंने बच्चों के इंटरव्यूज लिए हमारे, और अल्हम्दुलिल्लाह उस क्लास में से 50% बच्चों को जॉब मिल गई है माशाल्लाह। एक बात है, यकीन करें, देखिए आपकी बात से मुझे बासिर साहब एक बात याद आई कि हम लोग बेशक खाना खिलाना सवाब का काम है, किसी को रोजी पहुंचाना बहुत सवाब का काम है, लेकिन आप उनको मोहताज ना करें। मैं चाहती हूँ कि स्किल्स हो, अगर आपके पास कोई हुनर हो तो आप ऑन बिजनेस करें, तो आपको ज़रूरत ही ना पड़े कि आप किसी का मोहताज हो कि हमें वो रोटी दे तो मैं खाऊं। एक मजबूरी एक अलग बात है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी सोच हमेशा यही चलती रहती है कि हर बंदा सेल्फ मेड हो, खुद काम करने वाला हो, वो अपने घर को सपोर्ट करने वाला हो। ये इस तरह के लोग इतनी बेटे कितनी मिसालें लेंगी आप, सही बात है, यकीन करें। मैं आपको बताऊं, एक बच्चे को 3 दिन लोगो डिजाइनिंग सिखाई है, 8th क्लास का बच्चा था। रियली आपको हैरत होगी कि आज वो 60,000 रुपए महीना कमा रहा है, और वो जो है मना कर देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। देखो यार, देखो टैलेंट, देखो यार आपको मैं बताता हूँ,
12,000 बच्चों को मैंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो प्रोग्राम था वसीला रोजगार माशाल्लाह उसमें 29 ट्रेड में ट्रेनिंग दी है। बड़ी बात है, बड़ी मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड में लारकाना में भी खड़ा होता था और -3 में कश्मीर में खड़ा होता था जाके, वो ट्रेनिंग दी। आपको हैरत होगी कि उन 12,000 में से 2013 में मैंने 13% लोगों को नौकरियां दिलवाई। सर आपको मैं सलाम पेश करती हूँ, ऐसे लोग जो है ना हमारे मुल्क में एक मोटिवेशनल मैसेज है बेसिकली, मैं ये समझती हूं। उसका उसकी मुझे शिकायत क्या है, ये हमारे काम नहीं है। ये बात आपने पकड़ी बहुत प्यारी कि ये हमारे काम नहीं है, ये जिनके काम है उनको ये फर्ज होता है कि वो काम करें। सर ये जिनके काम है, कि जिन वाकई में जिन है जो नजर ही नहीं, नहीं, नहीं वो जिन नहीं है वो अगर खास तौर पे अगर वो अजिन्ना हो गए तो वो खुद भी भाग जाएंगे। तो मेरा कहने का मकसद मैंने कहा था ना इनके साथ थोड़ी देर बैठी हूँ, इनकी गुफ्तगू बड़े मजेदार है और हर टॉपिक को बड़ी ज्यादा ये पैगाम आप दें। आप देखिए आप रोज प्रोग्राम जी 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 बिल्कुल, मैं तो आज आया हूँ जी जी जी, लेकिन ये मैं आपके लिए पैगाम छोड़ रहा हूँ कि आप जो पैगाम दे अरबाब इख्तदार को उनसे कहें कि खुदा के वास्ते। छोटी इस किस्म में एक छोटा सा वाक्य बताऊं उमरकोट का जी, वहाँ की बच्चियों को हैंड एम्ब्रॉयडरी सिखाई जा रही थी। ओके मैं ओपन गुफ्तगू करूंगा, उन बच्चियों ने जो बेनजीर की तस्वीर कारपेट पे बना के भेजी थी मैं आज तक उसको तलाश कर रहा हूँ, ऐसा गायब करके ले गए लोग। अरे बाप, इतनी खूबसूरत। मेरा इंटरव्यू हो रहा था यूएनओ की डायरेक्टर से जी, जो ये लेबर की डायरेक्टर थी उनकी जी, वो आई थी स्पेशली चेक करने। उसको मैंने जब प्रेजेंटेशन दी है तो उसने कहा कि मैं जितनी यहाँ प्रेजेंटेशन लेती हुई आ रही हूँ यू आर द फर्स्ट एनजीओ जिसने इतनी फील्ड में काम किया है, ये नुमाइश इन बच्चियों की तुम यूएनओ में क्यों नहीं कराते जो शाहकार तुमने पेश किया। जबरदस्त जबरदस्त। तो मैंने कहा मैडम मेरी तो फिर पर जलते हैं ना वहां जाके, तो मैं किससे रोऊं जाके, किससे फरियाद करूं, कोई नहीं सुनता। अब फिर वाकया सुनाऊं आपको जी। कंप्यूटर क्लास में मैं खड़ा हुआ था बदीन में जी, बच्चे पढ़ रहे थे, मैंने ट्यूटर को रोक दिया। मैंने कहा ये मैट्रिक के स्किल्स है जी, इनको जितना पढ़ा लो नहीं हासिल होगा, अभी रोक दो कोर्स। अच्छा। कहने सर क्या मतलब है, 1.5 महीना रह गया कोर्स खत्म होने का। मैं कहा मैं मना नहीं कर रहा, तुम इनको इन पेज सिखाओ। अच्छा। सिंधी का तुम बदीन में हो। उसने 1.5 महीना इन पेज सिखाए, 4 बच्चे कंप्यूटर लेके अदालत के सामने बैठ गए। यू नो व्हाट दे आर अर्निंग नाउ, मोर देन 80,000 पर मंथ। जबरदस्त। मैं ओपन इसलिए कह रहा हूँ कि सरप्राइज, मैं बात करना चाहता हूँ तो जो हुआ है सक्सेस स्टोरी वो बयान करूँ। बिलावल हाउस में फंक्शन हो रहा था। ओके। आसिफ साहब की पूरी फैमिली वहाँ मौजूद थी। ओके। हमने इंट्रोड्यूस किया, वहाँ स्टूडेंट बैठे हुए थे, सक्सेस स्टोरी की बात हुई। मैंने एक बच्चे को पेश किया जिसने ये कंप्यूटर लगा के सजा के ये किया था एक्टिविटी। He was, I think so, Baloch. Okay. और उसने सक्सेस स्टोरी बयान करते करते जो इंग्लिश बोली है, तो आप यकीन करें वो जितने अरबाब इख्तदार थे सब खड़े हो गए थे, कहते अंग्रेजी बोल रहे। फिर उस पर प्रेसिडेंट साहब ने ये ऑर्डर किया था कि सारे कमर्शियल अताशीस से कॉन्टेक्ट करो और ये जो स्किल्स तैयार हो रही है इनको बाहर भेजो। Okay. रेवेन्यू पाकिस्तान में आएगा। ठीक ठीक ठीक। रेड स्ट्रिप सुर्ख फीते की नजर हो गई। उस प्रोग्राम से तकलीफ ये थी कि वो ब्यूरोक्रेसी का प्रोग्राम नहीं था, वो डिजाइन ही करके दिया था आम आदमियों ने। ओके। तो जो आप वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, आज भी मैं करा रहा हूँ। ठीक है। आज भी मेरे डिफरेंट सेंटर्स हैं जिनको ओन किया हुआ है और मैंने नाम नहीं लेता कि सर मैं अभी यहाँ पर इस गुफ्तगू को इसलिए खत्म करूंगी कि मैंने आपके साथ अब विजिट करना है आपके साथ बहुत सारी जगहों पे, और ऐसे लोगों को आपके साथ मिल के इधर बुलवाना है जो बहुत ही प्रेजेंटेबल हो और जो जिनके अंदर स्किल्स हो। सर आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक छोटा सा मैसेज शेयर कर दे, टाइम जरा सा हुआ, मैं आपके साथ एक सेशन और लूंगी एक्सक्लूसिव, ठीक है, प्रॉमिस है। मैं आपको बताऊं जी कि गुदड़ियों में लाल होते हैं। अच्छा। वो मैं पेश करूंगा। एक मैं मैसेज और दूंगा कि मेरा अदब से भी ताल्लुक है। जी जी। अब कराची में अदबी महाफिल बहुत हो रही हैं। जी जी। आज भी एक मुशायरा है यूथ का। ओके। मरकज़े इस्लामी में। ओके। तहजीब इंटरनेशनल की तरफ से। ठीक है। और कल एक बड़ा मुशायरा और एक मैसेज और है कि 22 मार्च को आलमी मुशायरा है मरकज़े इस्लामी आयशा मंजिल पे,
जिसमें दुनिया भर के शोरा अच्छा शरीक हो रहे हैं और मादर मिल्लत के नाम से हम डेडिकेट कर रहे हैं उन्हें कि पहला मादर मिल्लत मुशायरा होगा। तो ये महाफिल भी हम कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स की रेजिडेंस वो जिमखाना भी कायम कर रहे हैं, अभी छोटा सा जिमखाना मैंने कायम किया जिसमें 6 स्पोर्ट्स हैं। ओके इंशाल्लाह ये जो आपका ना ये प्रोग्राम एक बार फिर करूंगी, जो आपने मुशायरे की बात की ना तो आपके साथ एक बड़ा प्रोग्राम होगा। थैंक यू सो मच आप बासिर साहब, आप मौजूद थे मेरे साथ। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।